Hello, welcome back to my channel. Myself Gauri, and yes, welcome back to my channel. So in today's video, we are going to talk and review about this product, which is nose pore strips, which is from the brand Chameleon, which looks like this. So aaj hum iske bare mein baat karenge. So before going into the video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So now let's get into the video. So talking about this product, it retails for 280 rupees and मैंने ये Amazon से order किया था and इसमें आता है 10 strips. So this is how it looks. So इसमें ऐसे 10 strips आते हैं. मैंने already मेरे sister ने and mom ने already use कर लिया है. मैंने almost दो बार use कर लिया है. So इसमें अभी सिर्फ 4 बाकी, लाइक 4 बाकी है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. दिस सेज, सो ये बेसिकली यूज़ होता है आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स रिमूव करने के लिए, जो यहाँ पे मेनली लोगों के प्रॉब्लम्स होते, लाइक मेरा भी, मुझे भी बहुत सारे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स का प्रॉब्लम है. सो मैंने भी इसे ऑलमोस्ट दो बार यूज़ कर लिया है, तब जाके मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ. सो येस, सो इसके पीछे डायरेक्शंस दिए हैं, हाउ टू यूज़ सब दिया है. सो यहाँ पे दिया है कि आपको पहले, ऑब्वियसली ये यूज़ करने से पहले आपके स्किन पे कुछ भी मेकअप या फिर मॉइस्चराइज़र या फिर सीरम कुछ भी नहीं होना चाहिए. प्लेन कैनवास होना चाहिए जो लाइक दिस. मैंने अभी कुछ भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है, सीरम भी नहीं एंड मॉइस्चराइज़र भी नहीं, जस्ट मैंने लिपस्टिक थोड़ा सा अप्लाई किया है. सो यहाँ पे दिया है कि आपको ये यूज़ करने से पहले आपको अपना नोज़ वेट करना है. अगर आपका नोज़ वेट नहीं होगा तो ये स्टिक नहीं होगा, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो. एंड देन आपके हैंड्स ड्राई होने चाहिए, जस्ट बिकॉज ये आपके जो आप यूज़ करोगे नोज़ स्ट्रिप उसके ऊपर ये स्टिक ना हो, इसीलिए. एंड देन थर्ड, अपसाइड डाउन, आई विल शो यू इन अ सेकेंड. सो पहले आपको ये ऐसे साशे रिमूव करना है ऑब्वियसली. एंड देन आपको ये यूज़ करने के लिए आपकी ये नोज़ एरिया फुल वेट होनी चाहिए. ड्राई होगी तो ये आपके नोज़ पे स्टिक नहीं होगी. एंड देन आई विल शो यू, वेट. सो पहले हमें इसे ऐसे रिमूव करना है. तो ये ऐसा कुछ है, यहाँ पे ये प्लास्टिक है एंड देन ये है जो हमें रिमूव करना है, लाइक सो, लाइक दिस, ऐसे रिमूव करना है. सो फर्स्ट ये यूज़ करने से पहले हमें अपना नोज़ एरिया पहले वॉर्म वाटर से थोड़ा सा वेट करना है. सो मैंने यहाँ पे वॉर्म वाटर ले लिया है एंड यहाँ पे एक क्लॉथ, जो भी आप जैसे भी चाहे आप ले सकते हो, आप हैंकरचीफ ले सकते हो या कुछ भी, मैंने तो हैंकरचीफ ही लिया है. बट मेक श्योर कि जो भी आप क्लॉथ यूज़ करो वो क्लीन हो. सो जस्ट पहले वॉर्म वाटर से हमें इसे थोड़ा सा ऐसे वेट करना है. नाउ यू ऑल कैन सी मेरा नोज ऑलरेडी वेट है. एंड अगेन आफ्टर यूजिंग दिस, मेक श्योर आपके हैंड्स फुल ड्राई हो. एंड टेकिंग दिस, ये साइड ऊपर एंड ये लॉन्ग साइड डाउन साइड, दिस साइड. सो हम इसे ऐसे रिमूव कर देंगे लाइक दिस एंड हमें अच्छे से इसे अप्लाई कर देना है लाइक दिस. एंड हमें इसे ऐसे पुश करना है क्योंकि हमें यहाँ पे भी ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड्स का प्रॉब्लम होता है. सो हमें इसे अच्छे से प्रेस करना है एंड जस्ट हमें 15 से 20 मिनट्स वेट करना है. यहाँ पे लिखा है 15 से 20 मिनट्स, बट जब तक ये आपका अच्छे से ड्राई ना हो जाए, 15 से 20 मिनट्स, मैंने तो 30 मिनट्स वेट किया है जब मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया है. इट्स अप टू यू, 15 से 20 मिनट्स भी इट्स ओके अगर आपके ज़्यादा ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड्स नहीं है. लेट मी टेल यू, अगर आपकी ज़्यादा ही सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, तो आई थिंक ये आपको ट्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप इसे रिमूव करते हो तो ये थोड़ा, मेरे हिसाब से अगर आपकी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप यूज़ ना करो. मेरे लिए भी ये पेन होता है बट ज़्यादा नहीं. मैंने मेरे पहले ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड रिमूव करने के लिए वो एक टूल होता है, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको थोड़ी देर में शो कर दूँगी, तो मैं वो यूज़ करती थी. वो इससे बहुत 10% या 20% ज़्यादा वो मुझे पेन करता था. तो उसके मुकाबले या फिर कह सकते हो दिस ऑप्शन, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है एंड ये ज़्यादा ये अफोर्डेबल भी है. 280 इज़ गुड अगर आप देख
कैलकुलेट करोगे इसमें 10 आता है, सो इट्स गुड। एंड अगर आपकी ज़्यादा ही सेंसिटिव स्किन है तो आई थिंक आपको ये स्किप करना चाहिए, बट आपकी अगर ज़्यादा सेंसिटिव स्किन नहीं है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं इसे ऑलमोस्ट 15 डेज में एक बार यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम है बट ज़्यादा नहीं, सो इट्स अप टू यू। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आई थिंक आपको एक बार वीक में एक बार आप इसे ट्राई आउट कर सकते हो, बट मैं मोस्टली 2 वीक्स में एक बार या फिर 15 या 20 डेज में एक बार इसे अप्लाई कर लेते हैं। उससे भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जो आप देखोगे थोड़ी देर में। वैसे भी मुझे अभी मैंने ये ऑलरेडी यूज़ किया है तो आई डोंट थिंक मुझे ज़्यादा ये रिमूव होंगे, क्योंकि है नहीं, बट फिर भी। सो अगर आपके ज़्यादा है तो गो फॉर इट, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो आपको थोड़ी देर में दिख ही जाएगा, लाइक जितने भी है वो तो निकल ही जाएंगे। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस टूल, लाइक ये साइड, इससे हम ब्लैक एंड मैंने रिमूव किया है बहुत बार, एंड ये प्रोसेस, ये यूज़ करके प्रोसेस इज़ बहुत पेनफुल, बहुत ज़्यादा दर्द होता है इससे रिमूव करने से। सो इससे बहुत गुना अच्छा ये प्रोडक्ट है, इससे ज़्यादा पेन भी नहीं होता और इसके रिजल्ट्स भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, सी इट्स ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, मैंने 20 से 25 मिनट्स वेट कर लिया है। सो अब हम इसे रिमूव करेंगे, ये थोड़ा सा पेनफुल है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। सो लेट्स, सो मैंने इसे रिमूव कर लिया है। एज आई सेड, मेरे ज़्यादा ब्लैक हेड्स नहीं हैं, बट मैं आपको दिखा दूँगी अच्छे से। यस, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये मेरे थर्ड अटेम्प्ट में ये कुछ ऐसे दिख रहा था, ज़्यादा ब्लैक हेड्स बचे ही नहीं थे। एंड दिस इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट of using that strips, so आप खुद difference देख सकते हो। मुझे ज़्यादा ब्लैक हेड्स के प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी 2 या 3 बार यूज़ कर लिया था इस प्रोडक्ट को, एंड इसके मुझे रिजल्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिले थे। सो इसीलिए आई थॉट कि मैं ये आपके साथ शेयर करूँ। एंड अगर इफ़ यू आस्क मी कि अगर आपको ये प्रोडक्ट के लिए जाना चाहिए तो आई विल 100% रिकमेंड यू ऑल कि आपको ये एक बार तो एटलीस्ट ट्राई करना ही चाहिए। ये आपके ऑलमोस्ट एक वे में, लाइक एक बार में ही आपके 100% ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड्स रिमूव नहीं करेगा, ये ऑलमोस्ट आपके 40-50 या फिर 60-70% आपके ये ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड्स डेफिनेटली आपके रिमूव करेगा। मेरे फर्स्ट और सेकंड टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस मैंने विजिबल डिफरेंस देखा था, तो तब जाके मेरे थर्ड अटेम्प्ट में जो मैंने अभी किया उसमें ज़्यादा ब्लैक हेड्स नहीं रिमूव हुए, क्योंकि ऑलमोस्ट सब ही जा चुके हैं थर्ड अटेम्प्ट में। सो आपको ये ऑलमोस्ट 2 से 3 बार ट्राई करना ही पड़ेगा आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए। आपको मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, फर्स्ट बार जब आप इसे अप्लाई करोगे तभी आपको विजिबल डिफरेंस दिख ही जाएगा। सो यस, गो फॉर दिस। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो आप चेक कर लेना। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाई।